हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। टुडे वी स्टडी अबाउट मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। दिस इज एक्सरसाइज 1.2 एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसमें पार्ट ए दिया गया है -9 मल्टीप्लाई 7। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ था -9 मल्टीप्लाई 7। सॉल्यूशन में मैंने लिखा -9 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे आप देखिए तो 7 9 जा कितना होता है, या 9 7 जा कितना होता है, 63। तो 63 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 9 है माइनस का दिया गया है, यानी इसमें एक इंटीजर माइनस का है, यानी नेगेटिव है। तो आंसर में भी क्या आ गया, माइनस आ गया। इसी का पार्ट ई देखिए आप। पार्ट ई दिया गया है -9 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे मैंने राइट किया -9 मल्टीप्लाई -2 इंटू 4। तो तीनों नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का पहले 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8। 8 का 9 में करेंगे, 8 9 जा 72। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस का 9 लिखा हुआ है और माइनस का 2 लिखा हुआ है। तो दोनों साइन इसमें कैसे हैं, सेम दिए गए हैं। इसमें आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। इसका मीन्स ये है कि आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आंसर क्या आया, 72, जो कि कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एवोल्यूट द फॉलोइंग। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट दिया -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 27, यानी पॉजिटिव का 20। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई 27। तो सबसे पहले मैंने 5 का और 2 का मल्टीप्लाई किया। तो 5 का 2 का मल्टीप्लाई करने पे 5 2 जो होता है 10। इसके बाद इसमें आप देखिएगा 2 माइनस का था एंड 5 भी माइनस का था, यानी दोनों नंबर नेगेटिव थे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए यहाँ पे 10 कैसा आया, पॉजिटिव नंबर आया। यहाँ पे देखिए आप 10, इसके बाद 27 बचा हुआ था। तो मैंने लिखा 10 मल्टीप्लाई 27। तो 10 का 27 में मल्टीप्लाई करने पे आता 270। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 270, जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसके बाद इसी का सी वाला पार्ट देखिए। सी वाला पार्ट है -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2। देखिए जरा, सबसे पहले मैंने इसमें -4 एंड 5 का मल्टीप्लाई किया। तो 4 5 जो होता है 20। तो यहाँ पे आ गया 20। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 4 और 5 में 4 जो था नेगेटिव दिया गया था, यानी 4 5 या 20 आया। तो 20 भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी माइनस का आएगा। इसके बाद मैंने 6 का 2 में किया, 6 2 जो होता है 12। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 है नेगेटिव नंबर और 2 भी है नेगेटिव, यानी दोनों साइन कैसे दिए गए, माइनस के दिए गए। तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 12 किसका आया, प्लस का आया। इसके पहले कोई भी साइन नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब मैंने 20 का और 12 का मल्टीप्लाई किया। तो 20 का 12 में मल्टीप्लाई करने पे आया 240। इसमें नेगेटिव साइन भी आया है। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि 20 कौन सा दिया गया था नंबर, नेगेटिव नंबर दिया गया था, यानी एक नंबर माइनस का था। इसलिए आंसर में भी क्या आ गया, माइनस। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स। क्वेश्चन 3 में आपको डिवाइड करना है।
पहला दिया 0 डिवाइड बाय माइनस 8, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन मैंने किया है 0 डिवाइड बाय माइनस 8। देखिए जब भी 0 में या 0 का किसी नंबर में डिवाइड दिया जाता है तो आंसर में 0 ही आता है। 0 नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। इसमें देखिए माइनस का 8 नेगेटिव दिया गया था, लेकिन इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर में 0 पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, यानी विदाउट साइन लिखा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। तो आंसर आएगा आपका 0। इसके बाद इसी का बी वाला पार्ट देखिए, 18 डिवाइड बाय माइनस 6। 18 में डिवाइड करना है माइनस 6 से, तो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया। तो डिवाइड का मीन्स क्या होता है? डिवाइड का मीन्स होता है कि दोनों इंटीजर को फ्रैक्शन के रूप में आप लिख लीजिए। तो मैंने लिखा 18 अपॉन माइनस 6, यानी 6 का 18 में डिवाइड देना है। तो इसका भी मीन्स यही होता है कि डिवाइड देना है, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। 6 का जब डिवाइड 18 में दिया तो 6 की टेबल में 3 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया 3। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 6 कैसा दिया गया था, माइनस का। जब एक नंबर माइनस का हो तो आंसर में भी माइनस ही आ जाएगा, यानी आंसर आ गया माइनस का 3। डिवाइड गया 3 टाइम, लेकिन आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसके बाद इसी का सी वाला पार्ट देखिए आप। सी वाला पार्ट दिया गया है माइनस 81 डिवाइड बाय माइनस 3। माइनस 3 का डिवाइड देना है माइनस 81 में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट करेंगे, तो माइनस 81 अपॉन माइनस 3 इसको राइट करेंगे। अब 3 का डिवाइड 81 में देने पर 27 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा? पॉजिटिव नंबर में आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर माइनस नीचे माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। एक और तरीका होता है, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं, तो भी आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा। तो ये था इसका सी वाला पार्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, फाइंड अ कोशेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको कोशेंट मीन्स होता है आंसर, यानी जितने बार में वो कैंसिल होता है, तो वो आपको आंसर सब में निकालना है। पहला है माइनस 105 डिवाइड बाय 21। यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 4 का। ऊपर देखिए ए वाला पार्ट है माइनस 105 डिवाइड बाय माइनस पॉजिटिव 21। मैंने बताया था डिवाइड देने के लिए आप उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो मैंने लिखा माइनस 105 अपॉन 21। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 से 105 पूरा 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी 21 से 105 5 बार में कैंसिल होता। इसमें भी देखिए आप 105 कौन सा नंबर है, नेगेटिव, यानी एक नंबर माइनस का है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी अब क्या आंसर आएगा इसका, माइनस का 5, यानी नेगेटिव 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके और भी जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको सॉल्व करके फिल करना है। पहला दिया माइनस 9 मल्टीपल 0 इंटू 13। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन किया है। इसमें देखिए आप 9 के बाद 0 लिखा हुआ है, जब भी किसी नंबर में 0 आ जाए और उसका किसी अदर नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपका 0 ही आता है, तो इसमें आप 0 फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसी का सी वाला पार्ट दिया गया है कि पॉजिटिव 26 में किससे डिवाइड दिया जाए कि आंसर आपका 1 आ जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आप उसी नंबर से उसमें डिवाइड दे दीजिए तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसका पार्ट एफ़ वाला देखिए, माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस 1। माइनस के 35 में जब माइनस के 1 से डिवाइड दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, तो देखिए इसमें
जब भी डिवाइड देना हो, मैंने बताया आपको नंबर, दोनों नंबर को आप फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे राइट किया -35 अपॉन -1, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 35। यानी 1 का आप जब किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो वो नंबर वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें आप 35 फिल कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो पार्ट ए दिया गया 6 × -12, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर दिया गया है अगर उसमें कोई भी साइन दिया गया है तो वो साइन क्या होता है, इसमें रिमूव हो जाता है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी हमेशा इसको पॉजिटिव में ही राइट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे -72 को मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे निकाली है, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव का 72। तो आपको भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा किस में राइट करना है, पॉजिटिव नंबर में ही राइट करना है। अगर नेगेटिव नंबर दिया जाता है तो आप नेगेटिव साइन उसका रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 6 negative and 12 positive इंटीजर। यानी -6 दिया गया है एंड +12 दिया है, तो इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई क्या होगा। तो मैंने लिखा -6 यानी 6 negative multiplied +12, तो 12 जा होता है 72। और इसमें आप देख सकते हैं एक इंटीजर माइनस का दिया गया, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव का साइन आ जाएगा, यानी माइनस का 72 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके जो रिमेनिंग पार्ट मैंने आपको एडब्ल्यू में दिए हैं उनको आप सॉल्व करिएगा, और एक्सरसाइज 1.2 पूरा इसको कंप्लीट आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट।